स्पेशल है आज। हाँ? देखना चाहोगे? हाँ देखना चाहता हूँ। ओके मैजिक दिखाऊं? हाँ। वाओ मम्मा कितनी मस्त मैंगो आइसक्रीम है। बेटा ये आइसक्रीम नहीं है, इस बार ना हमने मैंगो कुल्फी बनाई है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल अनीशा एक्सप्लोरर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं दो तरह की कुल्फी रेसिपीज। ये है स्टफ्ड मैंगो मावा कुल्फी रेसिपी एंड ये है मलाई मावा मटका कुल्फी। तो ज्यादा समय नहीं वेस्ट करेंगे, चलिए देखते हैं इनको हमने कैसे बनाया। सबसे पहले हम एक नॉनस्टिक पैन लेंगे और उसमें ऐड करेंगे 1/2 लीटर फुल फैट मिल्क। फ्रेंड्स, जब भी आप कोई आइसक्रीम या कुल्फी रेसिपी बनाते हैं तो उसमें आप फुल फैट मिल्क ही लीजिए। अब गैस को ऑन करेंगे और दूध को हाई फ्लेम पे बॉईल करेंगे। जैसे ही एक उबाल आ जाएगा फ्लेम को कम कर देंगे और हमने दूध को तब तक बॉईल करना है जब तक वो हाफ क्वांटिटी तक रिड्यूस ना हो जाए। ये देखिए उबाल आ चुका है, गैस की आंच को धीमी कर देंगे और इसे बीच बीच में यूँ हिलाते रहना है, साइड्स में से उसकी मलाई निकालनी है। अब हम दूध को दूसरे गैस पे शिफ्ट करेंगे और यहाँ अब हम प्रिपेयर करेंगे कैरेमलाइज शुगर। शुगर ऐड करने के दो तरीके हैं लेकिन हम आज इसमें कैरेमलाइज शुगर ऐड करेंगे। आप चाहें तो डायरेक्ट शुगर भी ऐड कर सकते हैं या फिर ब्राउन शुगर का भी यूज़ कर सकते हैं। हमने लिया है 1/4 कप शुगर। और फ्रेंड्स, एक बात आप हमेशा ध्यान रखिए, जब भी आप शुगर को कैरेमलाइज करते हैं उसे धीमी आंच पर ही कीजिए, नहीं तो शुगर कड़वा हो सकता है ज़्यादा कैरेमलाइज हो गया तो। ये देखिए हमारी शुगर मेल्ट होना स्टार्ट हो गई है, इसे स्पैचुला की मदद से हम लोग ऐसे मिक्स करेंगे। स्पैचुला का काफ़ी यूज़ होता है ऐसे केस में। ये देखिए शुगर हमारी मेल्ट हो चुकी है अच्छे से, इसका कलर भी काफ़ी अच्छा आया है। ये हमारा कैरेमलाइज शुगर रेडी है, अब हम इसे मिल्क में मिक्स करेंगे। ज़रा सावधानी से कीजिए क्योंकि इसमें बबल्स उड़ते हैं, देखिए जैसे कि आप देख सकते हैं। तो इसे फटाफट से हमने मिक्स करना है, शुगर ऐड करते जाना है और मिक्स करते जाना है साइमल्टेनियसली। फ्रेंड्स, कैरेमलाइज्ड शुगर का रिज़ल्ट बहुत बढ़िया आता है, जस्ट अमेजिंग। आप ट्राई ज़रूर कीजिए, इस तरह से अगर आप कुल्फी मिक्सचर बनाएंगे तो बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। अब इस मिक्सचर को हम मिक्स करेंगे अच्छे से, हिलाते रहेंगे कंटिन्यूसली। इसका कलर भी आप देखेंगे बहुत बढ़िया आता है। अब इसमें ऐड करेंगे इलायची पाउडर, ये देखिए बहुत अच्छी खुशबू भी आ रही है कैरेमलाइज शुगर की, इलायची की। और जैसे जैसे दूध पक रहा है खुशबू उठ रही है अच्छी सी। अब हम इसमें ऐड करेंगे मावा। हमने लिया है फीका मावा करीबन 100 ग्राम, आप चाहें तो 50 ग्राम्स भी ले सकते हैं, चॉइस आपकी है। शुगर की क्वांटिटी भी आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, किसी किसी को ज़्यादा मीठा पसंद आता है लेकिन क्योंकि जनरली कुल्फी थोड़ी फीकी होती है तो इसलिए हम लोग शुगर कम प्रेफर करते हैं। मावा को आपने इस तरह से मिक्स करना है ताकि वो पूरी तरह से मेल्ट हो जाए। तो इस मिक्सचर को हमने दरदरा ही रखना है। ये देखिए हमारा मिक्सचर तैयार है, कुछ इस तरह से इसकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। अब हम गैस की आंच को बंद कर देंगे। अब हम लेंगे मैंगोस। अब यहाँ पे आपको चाहिए अगर आप दशहरी आम का भी यूज़ कर सकते हैं या फिर केसर आम का भी, हमने यहाँ पे अल्फेंसो मैंगोस लिए हैं। अब फ्रेंड्स, आप ध्यान से स्टेप को देखिए, हमने इन मैंगोस के जो बीच का सीड का पार्ट है उसे रिमूव करना है और एक अच्छा सा मोल्ड तैयार करना है हमने मैंगो का।
ये देखिए कुछ इस तरह से इसका सीड निकालेंगे और ये हमारा मैंगो मोल्ड तैयार है जिसमें हम लोग कुल्फी को सेट करेंगे। बाकी के मैंगोस को भी हम लोग ऐसे ही डीसीड करेंगे। इसका ऊपर का पोर्शन आपने रखना है क्योंकि इससे हम लोग कुल्फी को सेट करेंगे। और इन ग्लासेस को हमने लिया है ताकि हम इन मोल्ड्स को बैलेंस कर सकें अच्छे से। ये देखिए वाओ कितनी खूबसूरती से ये सीड को ऐसे बाहर निकाल के हम मोल्ड्स तैयार कर पाते हैं। फ्रेंड्स इसमें मेहनत ज़रूर है लेकिन ये बहुत ही इनोवेटिव और क्रिएटिव तरीका है कुल्फीज को सेट करने का। सीड्स में से भी आपने पल्प को निकालना है ताकि हमारा मैंगो वेस्ट ना जाए। ये हमारे मोल्ड्स तैयार हैं, इनको फ्रिज में सेट करेंगे। जब तक हमारा मिक्सचर कुल्फी मिक्सचर सेट हो जाता है वो रूम टेम्परेचर पे आए तो उनको इन मोल्ड्स में हमने फिल करना है इस तरह से। मिक्सचर को फुल टॉप तक नहीं भरना है, हमने थोड़ी सी स्पेस हमने छोड़नी है। ये देखिए फ्रेंड्स आप इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिए। बहुत डिलीशियस और यमी बनते हैं ये कुल्फी, मैंगो स्टफ्ड कुल्फी। इसको फिर ऐसे इस तरह से टैप करेंगे। बाकी के मोल्ड्स को भी हम इसी तरह से सेट करेंगे और तैयार करेंगे। इसको यूं इस तरह से ढक देना है। ये बाकी के मोल्ड्स भी हमारे तैयार हैं और इनको ओवरनाइट हमने फ्रीज करना है। अब जैसे हमने कहा मटका कुल्फी भी है तो हमने सेम कुल्फी मिक्सचर को इन छोटी छोटी क्यूट मटकीज में सेट किया है। मटका कुल्फी का भी अपना एक फ्लेवर और टेस्ट होता है तो आप इस मिक्सचर को मटकास में भी सेट कर सकते हैं और इससे गार्निशिंग आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। मैंने कुछ ड्राई फ्रूट्स लिए हैं और उससे गार्निश किया है। और अब इन मटकीज को भी हम लोग फॉइल पेपर से कवर करेंगे ताकि किसी भी तरह के आइस क्रिस्टल्स ना फॉर्म हो और इन फॉइल पेपर को हम लोग रबर बैंड से सिक्योर कर लेंगे और इनको भी हमने ओवरनाइट फ्रीज करना है। ये देखिए ये हमारे मोल्ड्स तैयार हैं। नेक्स्ट डे ओवरनाइट के बाद ये रहा हमारे मोल्ड्स जो तैयार हैं। अब हम इन्हें कट करके आपको रिजल्ट दिखाते हैं। फ्रेंड्स इसमें थोड़ा आपको संभालना पड़ेगा क्योंकि ठंडी ठंडी मैंगोस को पील करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इनको देखिए इस तरह से आपने पील करना है। वाओ बढ़िया। और अभी इन्हें स्लाइसेस में कट करना है हमने कुछ इस तरह से। ये देखिए वाओ जस्ट अमेजिंग। देखिए कैसे इनको स्लाइसेस में कट करके ये हमारी स्टफ्ड मैंगो कुल्फी तैयार है। वाओ जस्ट डिलिशियस। सो फ्रेंड्स ये थी हमारी कुल्फी रेसिपी। तो उम्मीद है आपने बहुत इंजॉय किया होगा एंड प्लीज डू ट्राई दिस रेसिपी। ये बहुत ही इनोवेटिव तरीका है मैंगो कुल्फी का स्पेशली। तो इसी तरह हम लोग आपके लिए और नए नए अच्छे अच्छे डिजर्ट रेसिपीज लेकर आएंगे। एंड बने रहिए हमारे चैनल पे एंड प्लीज़ लाइक शेयर। एंड अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 कर दीजिए और अनीश को ढेर सारा प्यार दीजिए। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। एंजॉय चिल।